नेदरलैंड्स को हरा दिया है 81 रनों से। हालांकि एक स्टेज पर जो मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, पाकिस्तान को हार दिखने लगी थी। हारिस राउफ बहुत अच्छा दिखे हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट एक ही लिया पर बॉल उन्होंने भी ठीक ठाक किया। पाकिस्तान मैंने हमेशा देखा है, मैं कल भी कह रहा था, अगर पाकिस्तान स्टार्ट अच्छा करता है तो ये फिनिश अच्छा नहीं करते। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सपोर्ट जोन 88। आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन मीडिया का रद्द अमल दिखाने वाले हैं। वर्ल्ड कप 2023 के अंदर पाकिस्तान ने नेदरलैंड को शिकस्त दे दिया है। पाकिस्तान की बड़ी जीत के बाद इंडियन मीडिया के ऊपर किस तरह का रद्द अमल आया, भारतीय साफी विक्रांत गुप्ता समेत इंडियन मीडिया के ऊपर क्या रद्द अमल है, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए और पहली दफा हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेदरलैंड्स को हरा दिया है 81 रनों से। हालांकि एक स्टेज पर जो मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, पाकिस्तान को हार दिखने लगी थी। मुझे तो लगता है ये पाकिस्तान को हेल्प करेगा। दूसरी बात है, वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, वर्ल्ड कप से एक महीना पहले पाकिस्तान के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं था और ये मैच जीत गए वो 205 नेदरलैंड्स ने बनाए। और एक स्टेज पर तो अगेन मेरा ये मानना है कि नेदरलैंड्स, मुझे लगा यार जीत जाएगा 120 पर 224। हाँ, जी आई थिंक हारिस राउफ बहुत अच्छा दिखे हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट एक ही लिया पर बॉल उन्होंने भी ठीक ठाक किया। हालांकि नवाज को, शादाब को एक एक विकेट मिला, बट अगेन ये बड़ी टीमों के खिलाफ क्या करेंगे। आई थिंक हारिस राउफ लेकिन आज नए विकेट और बैटिंग में देखो साउथ शकील इनको एक अच्छा, अब नाउ दे नो के साउथ है हमारे पास, ये रिजवान ने भी अपने रन बनाए नीचे से, नवाज और शादाब ने भी रन बना दिए। आई थिंक साउथ का जो है ना, क्योंकि मतलब मेरा तो जो हम बात भी करते थे जब हम पाकिस्तान की 11 एशिया कप में बात करते तो लगता था कि यार साउथ शकील होने चाहिए, पर क्योंकि आज उन्होंने आते रन और यूजफुल रन करे तो अब पाकिस्तान इस कंफ्यूजन से हट सकती है कि भाई नहीं आगा सलमान जो बैटिंग साउथ शकील देते वो आगा नहीं दे पाएंगे। वो वही होगा, कभी कभी बॉल आप सोच रहे हो वो काम इफ्तिकार आपके लिए कर देंगे। तो साउथ शकील का धृतबा आई थिंक इनके लिहाज से अच्छी चीज हो गई कि आज उनके आते वो रन और इंपॉर्टेंट रन जहां पर प्रेशर भी लगा हुआ था। साउथ शकील एक नए खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं कि वो सेट प्लेयर हैं, उनको लंबा बैक करते मौका मिलता और आज उनके लिए बढ़िया चीज रही कि साउथ शकील के भी रन आ गए। पाकिस्तान को विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रियलाइजेशन होगी और होनी चाहिए कि यार ये अच्छी विकेटों पे खेल रहे हो, अच्छी विकेटों पे खेल रहे हो, अच्छे आउटफील्ड पे खेल रहे हो और रन आपको बनाने होंगे। भाई कल इंग्लैंड ने कितने बनाए, 282, सामने वाली टीम ने 15 ओवर रहते चेज कर दिया। आज पाकिस्तान ने 286 बनाए जो कि कम से कम मुझे लगता है इन कंडीशंस के लिए 50 रन कम थे अगेंस्ट अ गुड टीम। तो आपको ना अगेन आप वो टीम नहीं हो सकते जो 270-290 देख रही है, आपको किसी दिन 350 किसी दिन नहीं, आपको हर रोज 350-350 देखने हैं। अब वो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो वो आपको तरीका ढूंढना है। बाकी देखिए टू बी ऑनेस्ट, आज बाबर ने रन नहीं बनाए और बाबर आजम का एक फेलियर डजंट मीन के भाई वो रन नहीं बनाएंगे। भाई उनका मैंने आज 100 लिखा हुआ था, नहीं आया, हो सकता अगले मैच में आ जाए। और शुरू में जब आप स्लगिश होते हैं और झटका आपको लगता है उसके बाद ही इंजेक्शन आपको लगता है। और पाकिस्तान मैंने हमेशा देखा है, मैं कल भी कह रहा था, अगर पाकिस्तान स्टार्ट अच्छा करता है तो ये फिनिश अच्छा नहीं करते। जब इनका स्टार्ट थोड़ा सा ढीला होता है ये फिनिश अच्छा करते हैं। आज जो देखा है मैंने, और पाकिस्तानी फैंस भी इस बात को समझेंगे, अगर पाकिस्तान ने टॉप 4 में आना है, सेमीफाइनल में आना है, उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। कि सर दोनों सलामी बल्लेबाज आपके वॉकिंग विकेट नहीं हो सकते, बिल्कुल दोनों स्पिनर्स आपके ऐसे नहीं हो सकते कि यार ये विकेट लेंगे कि नहीं विकेट लेंगे। आज हालांकि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे, इनफैक्ट शादाब का भी श्रीलंकन प्लेयर स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। अगला मैच शादाब का सर जो रिएक्शन था जब उन्होंने विकेट ली, आप तब देखते हो वो कहीं ना कहीं एक रिलीफ वाली वो फीलिंग। शादाब बहुत अच्छे लड़का है, गुड प्लेयर, वेरी गुड ऑलराउंडर T20s में। आज शादाब ने एक रन बनाया, उसका भी कॉन्फिडेंस है। देखिए क्या होता है, आप ऑलराउंडर हो, आप एक अच्छा कैच भी पकड़ लेते हो, आप कंट्रीब्यूट करते हो, अच्छा विकेट उनको एक मिला। पाकिस्तान अगर अग्रेसिव नहीं होगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। हारिस राउफ को मतलब ये पोले पोले ढीले ढीले दोस्ती है पाकिस्तान को सूट नहीं करता। और पाकिस्तान हैज टू बी पाकिस्तान भाई, दे हैव टू बिहेव लाइक पाकिस्तान। मर्क्यूरी जिन्हें कहते थे 150 की किलोमीटर की स्पीड पे बॉल डालने वाला जो बॉलर है वो हंसता ही, अरे उसको तो गाली देनी है यार। अगले मैच में कल इंग्लैंड को विन नहीं मिली ना पहले मैच में।